आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करें ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियो आए वो पहले मिलेगी। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि सब कुछ हमारी कुंडली के हिसाब से होगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है? कुंडली में जब जब होगा सो तब तब मिलेगा, क्या हमें कुंडली पर ही डिपेंड रहना चाहिए? आइए जानते हैं। नमस्ते, आपका हरि भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। इस प्रश्न में मतलब सब कुछ कुंडली के हिसाब से ही होगा तो कर्म क्यों करें, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में दो विभाग आते हैं, एक है कर्म होने का और दूसरा है कर्म करने का। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं जो कुंडली से शुरू होती है। तो कुंडली में होने की बात होती है, जैसे आपकी कुंडली में लिखा होगा कि 21वें साल में आपको नौकरी लगेगी या फिर 23वें साल में आपको प्रमोशन मिलेगा वगैरह वगैरह। तो कुंडली में कभी ये बात नहीं होगी कि आपको 21वें साल में नौकरी के लिए तलाश करना है, क्योंकि तलाश करना मतलब ये कर्म हो गया। तो करने की बात कभी कुंडली में नहीं होगी, कुंडली में केवल होने की ही बात होती है। बस 21वें साल में नौकरी मिलेगी ये बात कुंडली में बताई है, जो होने वाली है और जो होने वाली कैटेगरी में आती है। जॉब के लिए आपको ही प्रयास करना होगा, आपको ही कर्म करना होगा जो कर्म करने की कैटेगरी में आती है। कर्म करते ही हमें उस चीज़ को पाना होता है, चीज़ें अपने आप नहीं मिलने वाली। अगर हम कुंडली के भरोसे रहकर कर्म ना करें, कुंडली में लिखे है तो मिलेगा ये सोचकर कर्म ना करें तो ये हमारी भूल है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें कुंडली में भी नहीं होती जो हमें अपने दम पर प्रयास करने से मिल जाती है। जैसे कुंडली में अगर लिखा हो कि 50वें साल में आप बीमार हो जाओगे तो क्या हम बीमारी से बाहर आने के लिए प्रयास नहीं करते? क्या हम कुंडली में तो लिखा है ये सोचकर वैसे ही बीमार रहते हैं? नहीं ना, कुछ करने का प्रयास अवश्य करते हैं, जैसे कि ये बीमारी का असर कम हो। और कभी कभी कुंडली में कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हमारी प्रयास से हम उससे बच सकते हैं। जैसे कुंडली में लिखा हो कि आपके गाड़ी का हादसा हो सकता है, अगर आप प्रयास करते हैं कि गाड़ी के जो रूल्स होते हैं फॉलो करने के, अगर वो गाड़ी के रूल्स आप फॉलो करते हैं या फिर आपका भगवान पर पूरा विश्वास है, उस दरम्यान आपसे बहुत निस्वार्थ भाव से भगवान की या गरीबों की सेवा हुई हो तो ये होने वाला जो हादसा है ये टल भी सकता है। हादसा ना होने में स्वयं धरती माँ आपकी रक्षा करती है, पूरी सृष्टि आपको प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। ऐसे उदाहरण हमने देखे भी है कि भूकंप या सुनामी आती है तो कुछ लोग बच जाते हैं, जिससे हम किस्मत का नाम देते हैं। किस्मत तो कर्म करने से ही तो बनती है, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो जो मुश्किलें आपको छू भी नहीं सकती। हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा रख के बुद्धि से उस बात को समझ के आगे बढ़ते रहना चाहिए, इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो आज तक इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।